जय जगन्नाथ। मु होची सरोजा चौधरी आपणकर प्रिय रोजी। मोर किचन रो ना होची रोजीस किचन। आज आम क्ले पॉट विषय कौन कौन तार गुण सब अच्छे आज आम जानवा। देखु बर्तमान भी प्रभु जगन्नाथ खाइवा सब हजार हजार लोक मानी तैयारी होई क्ले पॉट्रे। तार गोटे बास्ना अलग, तार गोटे एरोमा अलग। आमर आग काल लोक मैंने यही मटी पात्र ही खाऊ पर दिन से हल करने जाते जोटा कि हल करने के एनर्जी दरकार ना से एनर्जीटा से ही मटी पात्र हिंसा पाते से ही मटी पात्र औषधीय गुण विषय चल आज आम जाना। प्रथम जाना आम जो मटी पात्र किणवा ना से देखा जे मटी पात्रटा जमी पलिश हो ना दे जो पलिश हो रंग ने सब देखा जा सब लीड आ मर्कुरी थाए से पूरा रफ एटा देखो यहाँ कितनी मटी पात्र नेचुराल मटी एमती मटी पात्र ही ना। सेकेंड जिनस हूँ मटी पात्र जो आम या आरंभ करवा सर्फ कि एमती सोप पाउडर कि किसी देखिए माजवानी ताकू केवल 48 आवर्स पर्यंत केवल पा रखिक रखिदे ऑटोमेटिक सेटा गोटे सीजनल हो जाए से पानी तक फोपाड़ देवापर पुणी आम या जेहेतु आम जब सर्फ कि बासन कुसन माजवा साबुन जब आम या मानते जब माजिद जो मटी पात्र भितर जो पोरसटा थाए जो से पोरस भितर से साबुन पा और सर्फ पा सब रही जो द्वारा कि स्वास्थ्यपी बहुत खराब एमती नेचुराल कौन रखा ना 48 आवर्स पर्यटन नॉर्मल पा दे रखीदे से पाटा को फोपाड़ देकर आम यूज करवा। थर्ड पॉइंट हूँ मटी पात्र आमर गोटे मानने जो जेहेतु आदरे बहुत परस थाए तादरे मच्छरता बहुत परिमाण रही जाए आमर खाद्यटा बहुत जल्दी तैयारी हो जाए से मच्छरटा पूरा जो मटी पात्र तैयारी करछ ताको गोटे ढाकन दे देवा जेहेतु से परस रही थाए से परस भितर मच्छर सब भर्ती होता है तार बांफर ही पुणी आमर बढ़िया कि पूरा बहुत कम समय भितर आमर तैयारी हो जाए। मटी पात्र आउ गोटे गुण हूँ आदरे अच्छी गोटे अल्कलाइन जोटा कि आमर फुड्र पीएच लेवल टाक बैलेंस करके रखे जोद्वारा कि आमुक आउ एसीडिटी हेनी से लगे आमर आग काली लोक मैंने देखो से मानकर एसीडिटी रोग किसी नाला कि आम मानक जेनेसन जहाँ शुणव सन्ध्या गला गला पड़ू जे एसीडिटी होमें जब मटी पात्र जो राति पात्र पा भर्ती कर रखीदे सका गोटे ग्लास उषुम करी पात्र पाटा पीवा आमको एसीडिटी हेनी। आउ गोटे पॉइंट हूँ यहाँ गोटे नेचुराल डिटक्स भाया काम कै जब मटी पात्र आम कि रोसे कर गरम पा फुटे कि जहाँ भी करवा तार प्राकृतिक गोटे प्रणाली आम से डिटक्स हो जाए मैला आम देह बाहरी जाए देखिले। आउ गोटे पॉइंट हूँ आमर मटी पात्र जो आम रोसे तादेह बहुत भिटामिन सब रही जाए मान आसे सब एमती भिटामिन बी 12 आम पाऊ देखो। आउ गोटे पॉइंट हूँ मटी पात्र आम जो मानने स्लो कुक मटी पात्र या सब मन रखी थे स्लो कुकिंग आम या स्लो कुकिंग मानने स्लो जाले आम जो याद्वारा ना आमर न्यूट्रिशनल वैल्यूटा बहुत बढ़ी जाए खाद्य जोटा कि न्यूट्रिशनल वैल्यूटा बढ़ीगले आम देहपाई से स्वास्थ्यपी बहुत भल। आउ गोटे पॉइंट हूँ मटी पात्र या जो बड़े देखो आधे जितने आम गोटे मंस आंटे कि ना भात आंटे कि ना कौन गोटे या कलापर तार गरमटा बहुत संपद रुहे जो जगन्नाथ मंदिर में आम जो मटी पात्र आम अबड़ा खावाक जाऊँ जहाँ करुचु से देखिए आमर अबड़ाटा बहुत समय पर्यटन गरम होमती मटी पात्र या गरमटा बहुत संपद रुहे आउटा कि आम कैसरोल रखा दरकार पड़े आउ बारंबार आम जब मटी पात्र या बारंबार जब आम गरम करवा आम जब ऑर्डिनरी यूटेंसिल याला आम तार फूड वैल्यू बहुत कमी जाए। आउ गोटे पॉइंट हूँ आम मटी पात्र जेहेतु मटी या प्रचुर परिमाण मिनेराल्स अच्छे। आउ गोटे जिनस हूँ मटी पात्र मटन या ना चिकेन या संगे संगे सीझी जाए टेंडर पूरा हो जाए जूसी हो जाए आउ बहुत कम तेल रुए एमती कि आमर हार्ट पेसेंट मैंने मटी पात्र या जिन बहुत भल पाते कहीं जेहेतु आ दिन मत्स्यटा पूरा चारिड़े बहुत जो परस रहा जो जो मत्स्यटा रोचे ना जो द्वारा कि बहुत कम तेल आम तरकटा या जाए अन्य बासन कुसन तुलन में मटी पात्र या जी तार न्यूट्रिशनल वैल्यू से फूड्र बहुत बढ़ी जाए।
ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇ ମାଟି ପାତ୍ରଟା ହେଉଛି ଆମର ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଆକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ବାହାରେ, ଆମ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରେନି। ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ମାଟି ପାତ୍ର ଭିତରେ କେତେ ସବୁ ଔଷଧ ଗୁଣ ଅଛି। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା। ଆମ କିଚେନରେ ମଧ୍ୟ ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ ହୁଏ, ମାଟିହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ହୁଏ, ଡାଲମାଟା ଆମର ମାଟିହାଣ୍ଡି ହୁଏ। କେଜାଣି ରୋଜିସ୍ କିଚେନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭାବିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମିସ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମାଟି ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ। ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ସବୁଯାକ ଆଇଟମ୍ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଆଇଟମ୍ ଆମେ ନିହାତି ମାଟି ପାତ୍ରରେ କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ପୁଣି ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।